हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन सीखने से पहले सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है और इस मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप राइट डाउन कर लो डिफिनीशन मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शंस, ठीक है, तो राइट डाउन कर लो द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, द फंक्शन एफ सच दैट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रियल नंबर टू रियल नंबर, द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स इज f(x) = x but for negative value of x the value of f of x is the negative of the value of x. ठीक है, दैट इज अब मेन ये सीख लो कि आपका fx = x when x > 0 -x when x < 0 तो ये क्या थी हमारी मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन। और इसको आप ये समझो कि मॉडुलस फंक्शन fx = चाहो आप इसको ऐसे लिख लो mod x = अब देखो mod x की वैल्यू x कब होगी, when x > 0, जब 0 x की वैल्यू क्या हो जाए 0 या 0 से बड़ी हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x, और ये इसकी वैल्यू माइनस x कब होती है जब आपका क्या हो जाए x > 0 नेगेटिव वैल्यू के लिए ये माइनस x हो जाएगा। यही पूरी डिफिनीशन थी। तो ये तो बात हो गई मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन की। अब इसका हम क्या सीखेंगे, ग्राफ सीखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन y = mod x, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे हम प्लॉट करते हैं। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये बना लो आप x x डैश y y डैश, और आपका क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाता है। ये आपका हो गया मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, y = mod of x का ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, चलो यहाँ तक सबका हो गया। ठीक, अब इसके बाद से नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसका हम यूज करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन में, ठीक है, जैसे हमारे पास अगर ये दे दिया y = mod x - 5, ठीक, और आपसे बोला जा रहा है कि इसका आपने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखते हो, x - 5 = 0, तो यहाँ से हमको मिल जाता है x = 5, और यही आपका टर्निंग पॉइंट होता है ग्राफ का। देखो दिस वन, ये एक्स
एक्स डैश और ये आपका वाई, वाई डैश और ये ओरिजिन हो गया, ठीक। और सपोज यहाँ पे क्या है आपका फाइव है, ऐसे ले लो 1, 2, 3, 4 और आपका क्या है यहाँ पे 5 है। तो इसका जब आप ग्राफ प्लाट करोगे तो कुछ ऐसे बनेगा। तो यही यहाँ पे क्या होती है, इस मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, कहाँ पे, जहाँ पे ये x की वैल्यू आती है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, ठीक है। अगर आपसे ये दिया फंक्शन y इक्वल टू मॉड x प्लस 5, अगर आपसे कहा जाए इसका आपने ग्राफ प्लाट करना है तो इसका ग्राफ प्लाट करोगे तो ये x, x डैश, y, y डैश और यहाँ पे भी आप क्या कर लोगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -5। तो यहाँ पे हम ले लिए -5 और इसका ग्राफ कुछ ये बन जाएगा, ये आपका क्या है -5 है। तो एक्चुअली जो हम ये पॉइंट निकाल रहे हैं ना x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -5, यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी इसी पॉइंट पे ब्रेक हो रही है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या, जैसे देखो ये यहाँ तक आया, ऐसे आते 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 यहाँ पे क्या हो गया आपका रुक गया, जो आपका कंटिन्यूस लाइन चलती चली आ रही थी यहाँ पे आके ब्रेक हो गई, फिर दिस वन। तो इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे ब्रेक हो रही है, जैसे यहाँ पे -5 पे, यहाँ पे 5 पे और यहाँ पे कहाँ ब्रेक हो रही थी 0 पे। तो ये कंसेप्ट हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी जब हम लोग सीखेंगे इसका इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलो इसको सब लोग राइट डाउन कर लो, ओके। अब चलो ये तो बात हो गई मॉडुलस फंक्शन की, बेसिक कंसेप्ट्स की डिफिनीशन सीख लिए, ग्राफ सीख लिए, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारी क्लास क्या है, इंटीग्रेशन की है, मॉडुलस फंक्शन की नहीं है। बट इसका हम क्या बता रहे हैं आपको, बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट यूज होगा आपका किस में, मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन को करने के लिए, ये है, इसको आप राइट डाउन कर लो, सेकेंड फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक। यह है आपका सेकेंड फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो आपका ये सेकेंड फंडामेंटल थियरम क्या कहता है, ये है आपका, लिख लो इसको, लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड कैपिटल एफ बी एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ देन आपका ये हो जाता है a to b f of x dx equal to दैट मीन्स f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, सेकेंड फंडामेंटल थियरम ऑफ कैलकुलस, ध्यान से देखना ये कंसेप्ट और फिर मॉडुलस फंक्शन का कंसेप्ट, जब दोनों मिक्सअप कर दोगे तो वहाँ पे कंसेप्ट के साथ सारे मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन को क्या करोगे, फिनिश करोगे, ठीक। तो अब देखो बात क्या है यहाँ पे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, क्या दे रखा है, एफ बी कॉन्टिन्यूस, ये मस्ट है कि हमारा जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, उसकी भी लिमिट है, ये लिमिट और ये वैल्यू किसकी होती है, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब जो भी हमारा यहाँ पे गिवन फंक्शन है एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, जैसे ये इंटरवल है और इसी के अंदर जो हमारा ये फंक्शन एफ एक्स है, ये आपका कौन सा फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, मस्ट है।
तभी हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। आपने बेसिकली इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा, लेकिन इस डिफिनीशन को आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो कि यहाँ पे ये एफ एक्स कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, तो बहुत कंपलसरी है जानना, ठीक है। तब जैसे ये होता है देन हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। और जैसे हम मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं, जैसे मान लो कि ये 1 to 2 है, ठीक, और मान लो कि x प्लस 2 आपका क्या है, ये मान लो ये 1 to 4 ले लो, और x प्लस 2 क्या है, dx है। तो जब आप इसका ग्राफ प्लाट करते हो, ठीक है, आप इसका क्या करोगे, ग्राफ प्लाट करोगे, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -2, ये आ गया ना -2, ये ऐसे ग्राफ प्लाट होगा। तो इसका मतलब जब आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो ये फंक्शन देखो यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है, बट जैसे आप इस पॉइंट पे आओगे इस मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। तो ब्रेक हो जाएगी तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया, क्या एक्स इक्वल टू -2 पे क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। बट ये भी ध्यान देना है कि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ पे ब्रेक हुआ और फिर हमारा फंक्शन यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब जो इसका क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल यहाँ पे क्या है आपका, इसका एक सेकेंड, ठीक है, इसका क्लोज इंटरवल है आपका 1 to 4, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। कहाँ से कहाँ तक गया, एक गया आपका 1 to 2, सॉरी एक हो गया -2, और ये ऐसे। तो जब आप इसकी बात करोगे ये -2 to 1, और फिर क्या हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 1 to 4। तो ये इसका क्या था, बेसिक कंसेप्ट था इसको निकालने का। तीन दोनों का कंसेप्ट यूज करेंगे और फिर आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो अब आ जाओ, मेन जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एक्सरसाइज 7.11, ठीक है। अब हम जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं आज उसको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये है हमारा एक्सरसाइज 7.11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 5 है, और क्या है, इंटीग्रेशन -5 to 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 डी एक्स, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 डी एक्स, ठीक। अब चलो मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 डी एक्स, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा हम ये फॉलो करेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिला आपका, -2 मिल गया। अब इसका आप ऐसे ग्राफ प्लाट कर लो, ठीक, ग्राफ प्लाट कर लो, ये हो गया आपका x, x डैश, y, y डैश, और आपका क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ प्लाट करोगे तो x इक्वल टू आपका क्या है, ये -2, ये कुछ इसका ग्राफ बन जाएगा x इक्वल टू -2 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका ये कंटिन्यूअस फंक्शन है y, ये मॉडुलस फंक्शन, इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे ब्रेक हो रही है, इसकी कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक हो गई है x इक्वल टू -2 पे। तो इसका मतलब अब जब आप इसको करोगे तो इसका लिमिट लोगे -5 to -2 और मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 डी एक्स प्लस, ठीक है, और यहाँ से -2 to 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 डी एक्स, ठीक है, एक्स प्लस क्या हो गया आपका 2 डी एक्स हो गया। बात आ रही है समझ में, क्या किए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ही डिफिनेट इंटीग्रल को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखो -5 to ये रहा, यहाँ पे ये वाला इंटरवल है -5 to -2, ठीक, यहाँ पे ये फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। फिर सेकंड क्या है, -2 to 5 तक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी कंटिन्यूअस है। तो इसकी कंटिन्यूटी हमने पहले ब्रेक कर दी। अब चलो
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, क्योंकि अभी हम लोग जब डिफाइन कर रहे थे मॉड एक्स तो एक एक्स था और एक क्या था माइनस एक्स था, कब, जब ये एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और व्हेन एक्स लेस देन हम क्या लिए थे जीरो लिए थे। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस फाइव टू क्या है आपका माइनस टू है, तो इसके लिए आपने करना क्या है कि देखो ये x प्लस टू है, अब यहाँ पे करोगे क्या कि माइनस फाइव से माइनस टू के बीच का कोई भी एक नंबर ले लो और इसमें पुट कर लो। तो मान लो हमने ले लिया माइनस फोर, ये देखो माइनस फोर लोगे तो माइनस फोर प्लस टू करोगे तो ये क्या आएगा आपका माइनस टू आया, दैट मीन्स ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको ये लिख लोगे माइनस एक्स प्लस टू डी एक्स, ठीक है, ये तो बात हो गई फर्स्ट वाले की। अब सेकंड का देख लो, ये क्या हो जाएगा माइनस टू टू फाइव, माइनस टू टू फाइव, अब इस इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू, जैसे आपने थ्री लिया थ्री प्लस टू करोगे फाइव आ जाएगा, फोर लोगे फोर प्लस टू फाइव, तो इस इंटरवल में जो भी वैल्यू लोगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। तो आपने यहाँ पे एक्स प्लस टू डी एक्स ले लेना है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे बताओ इसको, अब इसका इंटीग्रेशन, ये पहले माइनस है तो ये लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस टू और ये आपका क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस फाइव टू टू और प्लस आप इसको लिख लो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू एक्स और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस टू टू फाइव, ठीक है। देखो इसको हम रफ कर देंगे, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई थी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस फाइव टू माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू एक्स और यहाँ पे माइनस टू टू क्या था आपका फाइव था। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा फोर अपॉन टू माइनस फोर माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन टू और आपका क्या हो जाएगा ये माइनस टेन, ठीक। राइट डाउन कर लो इसको, फिर प्लस इसको कर लो, ये आपका आ जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन टू और प्लस आप क्या कर लो ये टेन हो जाएगा और माइनस माइनस कर लो तो टू टू जा फोर, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस टू, क्योंकि टू टू जा फोर माइनस टू से करोगे तो माइनस टू और ये आपका क्या हो जाएगा टू टू जा ये माइनस फोर माइनस टू और माइनस फोर, ठीक। अब आप इसको इक्वेट कर लो, ठीक है, जब आप इसको इक्वेट करोगे तो माइनस और ये हो जाएगा फोर अपॉन टू टू तो ये माइनस टू माइनस टू और माइनस आपका ये हो जाएगा फाइव अपॉन टू और प्लस, ठीक है, इसको भी कर लो तो ये हो जाएगा फोर्टी फाइव अपॉन टू और माइनस ये है तो आपका क्या हो जाएगा ठीक फोर बाई टू, यहाँ पे ये देख लो ये प्लस का था ना, ठीक, ये देखो टू टू जा फोर हो जाएगा, फोर अपॉन टू करोगे तो ये प्लस का साइन होगा, ये आपका क्या आ गया माइनस टू और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो फोर्टी फाइव अपॉन टू। आप इसको कैलकुलेट कर लो, इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका नाइन बाई टू माइनस होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और प्लस, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा फोर्टी नाइन अपॉन टू, ठीक। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा फिफ्टी एट अपॉन टू तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्वेंटी नाइन, यही हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेना कैलकुलेशन थोड़ा सा, ठीक, ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये भी क्या है आपका 7.11 का है क्वेश्चन नंबर सिक्स। आप देखो इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन आपका है ये 2 to 8 mod of x माइनस 5 dx। ठीक है, राइट डाउन कर लो सब लोग। अब पहला काम क्या करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5, चेक करोगे ना, ये लिख लेना x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। इसका मतलब आपका जो कंटिन्यूटी कहाँ पर एक होगा, x इक्वल टू 5 पे। अब इसको राइट डाउन कर लो 2 to 5 और mod x माइनस 5 dx प्लस, अब 2 to 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लोगे, अब ये हो जाएगा 5 to 8 mod x माइनस 5 dx। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लो 2 से 5 के बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लो यहाँ पे, जैसे मान लो 4 ही लिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आएगी। तो ये निगेटिव का साइन बाहर रख लो सीधे, और ये हो जाएगा x माइनस 5 2 to 5 dx प्लस, ये हो जाएगा 5 to 8, कोई भी वैल्यू पुट करो 5 से 8, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये x माइनस 5 dx। अब आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x 2 to 5 प्लस, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x, और ये आपका क्या हो जाएगा 5 to 8। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लो सब लोग, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। ठीक, अब ये हो जाएगा माइनस 5 पुट कर लो, तो 5 5 25 अपॉन 2 और फिर 5 करोगे तो माइनस ये 25। ठीक, माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर कर लो, तो ये 2 2 जब 4 अपॉन 2 करोगे तो ये 2 और ये आपका क्या आ गया माइनस 10। ठीक, प्लस इसको भी सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 64 और 64 अपॉन 2 कर लो, ये डायरेक्ट लिख दिया हम 32। ठीक है, और माइनस 40, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 25 अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लेना। ठीक है, 25 अपॉन 2 और माइनस आपका क्या हो जाएगा 25। यहाँ तक राइट डाउन कर लो सब लोग, आप इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आ रहा है आंसर। इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकाल के जल्दी आंसर बताओ क्या आ रहा है, सब लोग कैलकुलेट करो अपना अपना। हो गया सबका कैलकुलेशन, करो साक्षी कितने वैल्यू आ रही है इस वाले ब्रैकेट की। नाइन आ रहा है टोटल, 9 आ रहा है या फिर टोटल आ रहा है, अच्छा पूरा 9। ठीक है, चलो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सब लोग अपना अपना इतना कैलकुलेशन पार्ट तो खुद से कर लिया करो। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है सभी का 9। जतिन कर रहा हूँ सर। चलो करो जल्दी, इस कैलकुलेशन में कितना समय लग रहा है यार, सब तो कर ही दिए हम, ऐसे करते तो 25 में से इसको माइनस 25 अपॉन 2 हो जाता और यहाँ पे माइनस 8 प्लस हो जाता। इजी तो है, कर लो जल्दी। चलो हो गया सबका, चलो अब आ जाओ मिसलिनियस एक्सरसाइज 7.11 के बाद सीधे मिसलिनियस में मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन है, लिख लो मिसलिनियस एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखो कौन सा क्वेश्चन है मिसलिनियस में, क्वेश्चन नंबर 33, राइट डाउन कर लो, ये है आपका 1 to 4, ठीक है, मॉड ऑफ
x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x प्लस टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री, और ये आपका क्या है dx है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो एक काम ये करो कि जब आप इसको सॉल्व करो तो सबसे पहला काम कर लो, इसको लेट कर लो कि लेट i इक्वल टू, सबसे पहले स्टेप में क्या लिख लो कि लेट i इक्वल टू, ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको करोगे क्या, सेकेंड स्टेप में आपने इसको ब्रेक कर देना है, i इक्वल टू पहले ये लिख लो 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस वन डी एक्स, ठीक है, फिर मॉड ऑफ 1 to 4 ये हो गया x प्लस टू डी एक्स, नेक्स्ट मॉड ऑफ 1 to 4 x माइनस थ्री डी एक्स, ठीक। जितने भी मॉडुलस हैं सारे को क्या किए हम, सारे फंक्शंस को अलग कर लिए, ठीक है। अब इसको आप लेट कर लो आई वन, इसको लेट कर लो आई टू, और इसको आपने क्या कर लेना है लेट आई थ्री। बात आ रही है समझ में, आई इसको लेट की आई वन, इसको लेट कर लो आई टू, और इसको लेट क्या कर लो आई थ्री, ठीक। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब हम करेंगे क्या, इसका अलग से इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका अलग से, फिर इसका अलग से, और लास्ट में तीनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से लिख लो इक्वेशन आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ऐसे राइट डाउन कर लो और लिख लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से एक एक को उठाओ, अब लिख लो आई वन इक्वल टू 1 to 4 और मॉड ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक। जो हमारा कंसेप्ट था उसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया, और ऑलरेडी तो आपकी कंटिन्यूटी कहाँ पे ब्रेक हो रही है, वन पे हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी आपका वन दे रखा है, ठीक है, ये फंक्शन वहीं से स्टार्ट ही हो रहा है। लिमिट कहाँ से दे रखा है, जैसे आप क्या है आपका x इक्वल टू वन पे, ठीक। तो अगर आपका ऐसे ग्राफ बन रहा है तो यहाँ पे जो ये वाला ध्यान से सेको, देखो मेन है कंसेप्ट बना लो, इसका कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंजीनियरिंग एग्जाम वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो इस वाले फंक्शन की क्या कहानी है, ये जो फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है मॉडुलस फंक्शन, एक्चुअली ये यहीं से शुरू हो रहा है, कहाँ से जा रहा है 1 to 4, ये ऐसे गया, ये 1 to 4 इधर ये नहीं डिफाइन है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, ये क्या हो गया आपका ऑलरेडी दे रखा है 1 to 4 दे रखा है, क्योंकि जहाँ पे ये ब्रेक हुआ है ना वन पे, वहीं पे ये दिया है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, बस यहाँ पे ये चेक कर लेंगे 1 to 4 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके यहाँ देखो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो मान लो 1 to 4 के बीच में वैल्यू हम क्या ले लिए, 2 ही ले लिए, तो 2 - 1 करोगे तो क्या आएगा 1 पॉजिटिव, 3 लोगे तब भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये लिख लो 1 to 4 और ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस वन डी एक्स, ये ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ग्राफ भी देख लिया हम लोग, और एग्ज़ाम में आप ग्राफ बना दोगे तो एग्ज़ामिनर और खुश हो जाएगा कि आप इसको कंसेप्ट पे, लेकिन वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन करो, नंबर पाओ घर आओ। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 to 4, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 1 to 4। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, एक एक लो, आस्था आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है आई वन का, ध्यान रखो एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स, तुरंत बताना इसका आंसर सर। हाँ बोलो क्या आ गया, बोलो साक्षी। 11 by 2, तो अब हम यहाँ पे राइट डाउन कर ले रहे हैं आई वन इक्वल टू 11 by 2 आया, सब लोग इसको सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हम अब कंसीडर करेंगे आई टू, ठीक, अब रफ कर दे रहे हैं हम आई टू, अब लिखो आई टू इक्वल टू, अब हम यहां से कंसीडर करेंगे आई टू को 1 to 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स, ये हम आई टू कंसीडर कर लिए। अब देखो यहां पे वही कंसेप्ट,
एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या लेना है आपको, जीरो लेना है, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्स इक्वल टू आपका माइनस टू हुआ, तो ये कुछ आपका ग्राफ बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी कहाँ पे ब्रेक हो रही है, माइनस टू, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। ये मिल गया ना सबको कि कंटिन्यूटी कहाँ पे ब्रेक हो रही है, तब आपको यहाँ पे राइट डाउन कर लो, माइनस टू टू वन मॉड ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस, अब क्या लिख लें यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बोलो, वन टू फोर, ठीक है, लिखो इसको, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स, राइट डाउन कर लो सब लोग, एक्स माइनस टू है सर, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है, एक्स माइनस टू, अच्छा मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू है, क्वेश्चन चेंज कर लो भाई, देखो गलत लिख दिया हम लोग, रुको बुक में देखते हैं, अच्छा हाँ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू है, ठीक है, तो इसको चेंज कर लो, मॉड ऑफ एक्स माइनस आपका टू है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू टू होगा, तो आपका ग्राफ होगा ये यू बनेगा, ठीक है, फिर से इसको यहाँ पे रख कर लो, ओके चलो भाई, तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपका वन टू टू, और मॉड ऑफ क्या हो गया एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस, अब ये क्या हो जाएगा टू टू फोर, और मॉड ऑफ एक्स माइनस टू डी एक्स, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे चेक करो, वन से टू के बीच में आप कोई भी वैल्यू लोगे, ये क्या आ जाएगा आपका निगेटिव आ जाएगा, तो ये माइनस वन टू टू एक्स माइनस टू डी एक्स, और फिर प्लस टू टू फोर, और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू डी एक्स, कोई भी वैल्यू चेक करके देख लो, ये आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब ये माइनस, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान टू माइनस टू एक्स, और ये होगा वन टू टू प्लस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान टू माइनस टू एक्स टू टू फोर, ठीक। अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताओ जल्दी, ठीक है, तब से हम लोग नेक्स्ट करेंगे, इसका आंसर कौन बताएगा, साक्षी तुम ही बता दो इसका आंसर क्या आएगा, चलो थ्री बाई टू आया, थ्री बाई टू कैलकुलेट हो गया, वेरी गुड, तो लिख लो आई टू इक्वल टू थ्री बाई टू, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, अब लिखो आई थ्री इक्वल टू आपका क्या है मॉड एक्स माइनस थ्री वन टू फोर डी एक्स, मॉड वन टू फोर एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका, ये आई थ्री की वैल्यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू थ्री, कंटिन्यूटी कहाँ पे ब्रेक है आपका, थ्री पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, यहाँ पे क्या है आपका एक्स इक्वल टू यही थ्री है, अब इसका चेंज कर लो, ये हो जाएगा वन टू थ्री मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री डी एक्स, ठीक है, और फिर प्लस थ्री टू फोर और मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री डी एक्स, राइट डाउन कर लो, चलो अब देखो ये हो जाएगा आपका, अब इंटीग्रेशन वन टू थ्री ये निगेटिव आ जाएगा, सब कंसेप्ट सीख चुके हो, कोई भी वैल्यू पुट करके देखो निगेटिव प्लस, अब तो मॉडुलस फंक्शन का एकदम से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पूरा खेल है क्या इसका, तो थ्री टू फोर और आपका एक्स माइनस थ्री डी एक्स, इसको देख के बच्चे बहुत डरते हैं लेकिन इससे आसान कुछ है ही नहीं, ठीक है, इंटीग्रेशन में ये हो गया माइनस, अब देखो इसको कर लोगे एक्स स्क्वायर अपान टू माइनस थ्री एक्स वन टू थ्री प्लस, आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर अपान टू माइनस थ्री एक्स और थ्री टू फोर, सॉल्व करो वैल्यू बताओ, जतिन तुम लोग भी आंसर बताओ भाई क्या रहा है इसका कैलकुलेट करके,
और चेक कर लेना, जरूरी है कि जो साक्षी ने बताया था ये वैल्यू सही ही हो। सर फर्स्ट वाले की वैल्यू मेरी 9/2 आ रही है। हां I1 आपका 9/2 आ रहा है, और I2 I2 की वैल्यू बताओ। I2 भी गलत है, साल करके देखो ये 5/2 आएगा, ठीक। और फिर I3 की वैल्यू निकालो जल्दी सब लोग। I3 भी करोगे ये भी 5/2 आएगा, करके देखो सब लोग, कैलकुलेट करो जल्दी सब। अब चलो अब इसको कैलकुलेशन कर लेना भाई। साक्षी देखो कैलकुलेशन जल्दी के चक्कर में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, तो कैलकुलेशन आराम से करना है। यस सर। I=I1+I2+I3। देखो कभी कभी ना बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, अगर आपका आंसर गलत है तो जब कापियाँ बहुत तेज चेक होती है ना लास्ट स्टेप में, हम लोग हर साल कापी चेक करते हैं तो हम लोग देखते हैं, तो उसमें कई टीचर्स लास्ट में आंसर देखते हैं, जब लास्ट एकदम समय कम रहता है तो टीचर्स आंसर देख देख के कापियाँ चेक करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है बच्चों का। अब चलो I=9/2+5/2+5/2 आप इसको आप ऐड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा आपका 19/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो जितना भी अभी हम लोग कर रहे थे देखने में तो आसान लग रहा है, ठीक है, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वाकई यहाँ पे दिक्कत आएगी, प्लस माइनस मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत पेशेंस के साथ और एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तो ये हो गया आपका 19/2 हो गया सबका, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे आपके मॉडुलस फंक्शन के NCERT में, ठीक है, एक दो एग्जांपल भी होंगे तो एग्जांपल खुद से आप लोग लगा लेना, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट कर लो।